ऑनलाइन इनकी दोस्ती होती है, कब दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। हम लोगों ने बड़ा हार्ड टाइम देखा। मेरे पास वो पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे का दूध ले सकूं। कि मुझे समटाइम लगता है मैं बीवी हूँ, तुम मेरा खावंद हो। चांस मुझे मिलते रहते हैं। ऐसे चांसेस के बाद बेगम शक करती है। मरना बड़ा भोला होता है, सीन शुरू होता है, बस मेरी बीवी को पता चल जाता। अब तो इनके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है कहाँ झूठ बोल रहे हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ शक बड़ा पक्का होता है। जिस वक्त मेरा ब्रेकअप हुआ, अपने सुसाइड की भी कोशिश की। इस तरह संभाला कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहीं संभालती है। अच्छा ये बताएं कि भाभी कैसी हैं? तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कंसेक्यूटिव 48 आवर्स तक हम लोग बात करते रहे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन आज मेरे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जिनका नाम है काशिफ मीर और डॉक्टर सदफ। ये दोनों सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हैं, टिकटॉक्स भी बनाते हैं, स्नैक पे वीडियोस भी बनाते हैं, जबकि इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत अच्छे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। नाज़रीन इनकी बड़ी खूबसूरत कहानी है, और कहानी ये है कि ऑनलाइन इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद वो कब दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और उसके बाद का सफ़र आइए इनसे खुद ही जान लेते हैं। मेरे साथ काशिफ मीर मौजूद हैं। काशिफ क्या हुआ था, कौन सी ऐसी बात सदफ की अच्छी लगी कि आपने इनको दोस्ती के लिए चुना? अच्छा सबसे पहले तो ये कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात ये कर दूँ कि आज जो बात मैं रिवील कर रहा हूँ ये हमारी 7 साल शादी का जो टेन्योर गुजरा है आज तक किसी को नहीं पता, और ये आपके शो में जो है वो रिवील होगी। मैं इसका मतलब है कि मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे पहले हमारे चैनल ने ये खबर ब्रेक की है। या बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप बिल्कुल कह सकती हैं कि आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात रिवील हुई है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, सोशल मीडिया पे हम लोग बड़े एक्टिव हैं, बड़े सोशल हैं, लेकिन आज तक जो भी हमसे पूछता है तो मैं उससे यही कहता हूँ कि यार हमारी ना अरेंज मैरिज है। स्पेशली ख़वातीन बच्चियाँ बहुत क्वेश्चन ये करती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट। मुझे लगता है कि इसके बाद आपके बहुत सारे चांस मारे जाएंगे। नहीं चांस तो अल्लाह की ज़ात देने वाले, चांस मुझे मिलते रहते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऐसे चांसेस के बाद बेगम शक करती हैं? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आमना आपको एक बात ये बताऊँ कि चांसेस मिलते हैं मुझे, लेकिन पता नहीं, वो कहते हैं ना कि मरना बड़ा भोला होता है। मैं कह सकती हैं कि मैं भोला मर्द हूँ कि सीन शुरू होता है, बस मेरी बीवी को पता चल जाता है, पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी इसके पास है, इसको पता चल जाता है मेरा सीन और वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। बेगम यहाँ साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कैसे पता चलता है। आप भाई बीवी हूँ, 7 साल हो गए हैं साथ, अब तो इनके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है कहाँ झूठ बोल रहे हैं। क्या करती हैं जब इर्द गिर्द लड़कियों का झमघटा लगा रहता है? नहीं ऐसे यूजली मुझे इन चीज़ों में कोई इशू नहीं होता, क्योंकि इनकी माशाल्लाह फीमेल फ्रेंड्स भी बहुत हैं और इनके अंदर एक बहुत अच्छी आदत है कि हर किसी के साथ इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाते हैं मुझे, तो इन चीज़ों में मसला नहीं होता। पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ शक बड़ा पक्का होता है, फिर वहाँ पर मैं अपनी CID चला के पकड़ लेती हूँ फ़ौरन से। काशिफ फिर दोस्ती का आगाज़ कहाँ से हुआ? आमिना ये बात है 2013 की, आई वॉज़ इन अ रिलेशनशिप, मैं कोई एट दैट टाइम आई वॉज़ इन क्वेट, एक दोस्ती होगी एक खातून के साथ और हम लोग रिलेशनशिप में चले गए, इंगेजमेंट भी होगी हमारी, 5.5 साल का रिलेशनशिप था मेरा। उसके बाद ये सिनेरियो मेरे साथ हुआ कि अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, कहते हैं ना मोहब्बत में धोखा एंड ऑल दैट, तो मैं बड़ा ब्रोकन हार्ट था एंड हम लोग फेसबुक फ्रेंड थे, तो एट दैट टाइम मुझे एक धोखा खाया, दूसरे धोखे के लिए तैयार हो गए फौरन। हम लोगों ने अक्सर कहावत सुनी है ना हमने कि हर कामयाब मर्द के ना पीछे एक औरत का हाथ है, मैं आज जिस मुकाम पे हूँ उसके पीछे डॉक्टर सदफ का हाथ है। द रीज़न इज़ कि उस टाइम पे इवन मैंने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए, मतलब मेरे साथ इस तरह भी हुआ कि मुझे ना दिन रात का नहीं पता चलता था। अच्छा। उस वक्त एक अल्लाह सुभान व तआला ने, मैं तो ये कहूँगा कि एक फरिश्ता भेजा जिसका नाम था डॉक्टर सदफ, जिसने मुझे इस सारे टेन्योर से, इस सारे ट्रॉमा से निकाला, ना सिर्फ निकाला बल्कि मुझे इस तरह संभाला कि जैसे एक माँ ना अपने बच्चे को नहीं संभालती है, इसने मुझे मेरा उस तरह ख्याल रखा। ये सुनने में बहुत आता है कि ऑनलाइन दोस्ती, लेकिन आपकी तो ये काफ़ी पहले हुई थी, तो कैसे हुई दोस्ती? हमारी फेसबुक पे फ्रेंडशिप थी और हम लोगों की बिल्कुल फॉर्मल सी फ्रेंडशिप, ऐसे कि वी आर फेसबुक फ्रेंड्स, और बड़ी रियर कोई 20 दिन बाद कोई एक हाय हेलो का मैसेज आ गया। जिस वक्त मेरा ब्रेकअप हुआ तो एक बड़े मज़े की आपको बात बताने लगा हूँ, जिस वक्त मेरा ब्रेकअप हुआ तो डॉक्टर सदफ ने ना मुझे कॉल की, तो मुझे सलाम करने के बाद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा ये बताएं कि भाभी कैसी हैं?
मैंने कहा किड़ी भाभी कौन सी भाभी मैं, और जब जब इसने भाभी का जिक्र किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए. यू वॉन्ट बिलीव आमिना के शी वॉज द वन के जिसने कॉल पे ना सिर्फ मेरी वो पूरा टेन्योर सुना, मेरे दुख दर्द बांटे और कंजेकटिव 48 आवर्स तक हम लोग बात करते रहे. हम लोग अच्छा. बिना सोए हम लोग होल्ड पे थे, खाना खाया, आके बैठे कॉल पे. वो सारा 5.5 साल का गुबार जो मेरे अंदर था ना अच्छा. वो 48 आवर्स में निकला. तो मेरे घर वालों को ये नहीं पता था कि ये हमारा बेटा ना पाकिस्तान आया हुआ है 3-4 दिनों से और ब्रेकअप हो गया और ये तो मरने मराने पे आ गया. तो उस वक्त ये सीन हुआ कि इसने मुझे कहा कि आप ना लाहौर आ जाओ काशिफ, क्योंकि लाहौर एक सिटी है, सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ पे जिंदा दिल शहर है, तो आपका दिल भी लग जाएगा और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आ जाओ. मैं बहुत प्राउड होके हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ कि आई हैड ओनली 4,500 रुपीज़, 4,500 रुपया मेरी पॉकेट में था, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था. और मैं उस वक्त लाहौर आया, तब एक लड़की ने मुझे संभाला और वो है डॉक्टर सदफ. डॉक्टर सदफ जानते हैं, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया कैसा लगा? मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि उस वक्त तक मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था ऐसा. मुझे यही था कि ये फ्रेंड है और टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले मैंने कहा कि मतलब यार नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप. फिर इन्होंने मुझे कहा कि नहीं आई एम सीरियस, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता था कि ये एम ही मजाक कर रहे हैं, नया नया ब्रेकअप हुआ है और ये बंदा जो है ये मैं हूँ इनको क्योंकि संभाल रही हूँ तो शायद ये अभी मुझे ही कह रहे हैं. फिर ये लाहौर आ गए, हमारी फ्रेंडशिप डेफिनेटली डे बाई डे बहुत होती रही. फिर इन्होंने क्योंकि मैं भी हाउस जॉब से अपनी मेरी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई हुई थी, तो मेरे फादर को था कि भैया बेटी फारिग हो गई है तो अब इसकी शादी करनी है. और मेरी मदर को स्टार्ट से इनका पता था, तो मैंने इनको बोला कि भैया अब्बू इस तरह मुझे बोल रहे हैं कि अब इसके लिए रिश्ता वगैरह देखें. तो इन्होंने मुझे कहा तुम आज ही बात करोगी अपने अब्बू से, मैं रिश्ता भेजता हूँ. तब मैंने कहा अच्छा ये वाकई सीरियस हैं. फिर मैंने घर में बात की और अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर ने मुझे, मैं जितना शुक्र अदा करूं इस लाहौर का उतना कम है शुक्रिया अदा करूं इस लाहौर का. किसने, लाहौर ने ना सिर्फ मुझे इज़्ज़त दी, एडॉप्ट किया, अपने दिल में जगह दी और उसके बाद डे बाय डे दिन रात तरक्की की सीढ़ियां हम लोग चढ़ते गए. मुझे उस वक्त बड़ा डर लगा जब मेरे फादर इन लॉ ने कहा, इसके अबू ने कहा कि मैं ना पहले लड़के से मिलूंगा, क्योंकि जट फैमिली से चौधरी नाम है. तो मैंने कहा या खुदाया पागा कि ये वो 7-8 गनर लेके आए, मुझे डाले में डाल के ले जाए, मैं तो मर गया. लेकिन जब वो आए वो मुझसे मिले, मेरी ना टांगें कांप रही थी. मैंने बातचीत इस वक्त की, मैंने अपने बारे में बताया तो उन्होंने कहा भाई लड़का तो ऑब्वियसली यार कोई बात है. उन्होंने कहा लड़का मुझे पसंद है. मैंने कहा पसंद तो आना ही था भाई, लड़के में कोई कमी भी तो नहीं है. इस तरह हमारी शादी हुई. मेरे बाबा कुवैत में थे, अकेले गया. मैंने अपने बाबा को कॉल किया, मैंने कहा बाबा डेट फिक्स हो गई है. बाबा ने कहा तू अपना बाप भी खुद ही है, माँ भी खुद ही है. मैंने कहा अब क्या करूँ. उसके बाद शादी की तैयारियाँ हम लोगों ने की, शॉपिंग इकट्ठी की, इस तरह हमारी शादी हुई. हम लोगों का ड्रेस आता है दुल्हन का मेहंदी का, वो भी ये खुद ही देने आए थे. ऑल तो बहुत डर रहे थे यार मैं खुद ही आ जाऊँ, अब्बू क्या कहेंगे, अब्बू कहेंगे देखो दूल्हा खुद ही उठ के आ गए. मैंने कहा अब कोई नहीं है तो आपको ही आना पड़ेगा, और तो कोई नहीं है हमारा यहाँ पर. टिकटॉक पे जो आपने बनाना शुरू किया सबसे पहली जो थी वो कितने मिलियन पे या कितने फॉलोअर्स के साथ आगे गई? आमिना हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी तब टिकटॉक बैक इन 2018 की बात है, तब टिकटॉक का नाम म्यूज़िकल ले था. हमारे पास एक आइडिया आया था कि खामन बैठा हुआ है, बीवी को याद कर रहा है, बीवी की पिक्चर देख के रो रही है, अल्लाह को प्यारी हो गई है. काशिफ सदफ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और मुझे बहुत अफसोस है उसकी मौत का. अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? क्या मुझसे काम चल जाएगा आपका? काशिफ भाई बहुत बुरा हुआ, अल्लाह पाक आपको सब्र दे. काशिफ भाई तसव्वुर करें कि भाभी वापस आ गई. बस करो नहीं आ रही, बस नहीं आ रही. फिर अगेन ये सीन हुआ कि मैंने एक हमारी वीडियो बनी थी अंधा, मैं उसमें अंधा बना हुआ था और ये मेरी वाइफ साथ बैठी होती है तो मुझे कहती है कि काशिफ यार काश आप अंधे ना होते तो आप देख सकते मैं कितनी खूबसूरत हूँ. काशिफ
काश आप नाबीना ना होते ना तो आप मेरी खूबसूरती देखते। अगर तुम इतनी खूबसूरत होती सदफ तो ये आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अन्नावा पागल नहीं। अन्नावा पागल नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बड़ा आपका स्टाइल है कि आप अपनी वीडियोस के अंदर नॉर्मली इनको डॉक्टर कह के मुखातिब करते हैं, ये लोग बहुत पसंद करते हैं, कहाँ से इसका ख्याल आया कि ये रखना चाहिए? असल में इसके पीछे ना ये हमें कमेंट्स भी बहुत आते हैं। जब हमारी ये फर्स्ट वीडियो अंधे वाली वायरल हुई थी इस पर हमारे कोई 5.3 मिलियन व्यूज़ आए थे या तो लोगों ने ना हमें ये कहा कि आप ना इनको डॉक्टर डॉक्टर क्यों कहते हैं? लोगों को लगा जैसे जानू मानू सोना जान जी ये वो ऐसा होता है तो डॉक्टर भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो रियल लाइफ डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है वो, स्किन स्पेशलिस्ट है। तो मैं ना इसको घर में प्यार से मैं डॉक्टर ही कहता हूँ। हमारी जो वीडियोज़ हैं उनमें ज़्यादातर मोटिवेशन है, कोई ना कोई मैसेज होता है उसके पीछे, या एग्जैक्टली फैमिली ओरिएंटेड कॉन्टेंट होता है हमारा। क्या बात है भाई, आज तो बड़े मौलवी बने हुए हैं। डॉक्टर, इस दुनिया में जो थोड़ा सा वक्त बचा है उसमें अल्लाह को राजी कर ले, क्योंकि बीवी को तो बिल गेट्स भी राजी नहीं कर सकता। क्या हुआ डॉक्टर? यार मैंने पिज्जा खाया, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस ही नहीं लगाया। इसके बाद हमारी एक और वीडियो थी, वो हम लोगों ने ट्रैफिक जो हमारे एहलकार हैं उनको हम लोगों ने एक डेडिकेशन उनके लिए एक डेडिकेट की थी। हम लोगों ने उनको कंट्रीब्यूशन हम लोग दे रहे थे कि उसमें ये होता है कि मैं पुलिस का वार्डन बना होता हूँ और ख़वातीन, क्योंकि आपको पता है कि बार्गेनिंग का उनको बड़ा शौक होता है, हर जगह पे कोशिश होती है कि कोई वो मिल जाए, तो मैं ना इनको उसमें वीडियो में कह रहा होता हूँ कि मैं गाड़ी रोक के इनको कहता हूँ कि मैडम आप ना पीछे सिग्नल तोड़ के आई हैं तो आपका चालान होगा, 1000 रुपये का चालान होगा। तो या इसे कहती है कि हाय हाय सर कुछ मुनासिब करें, मैं हमेशा चालान यहीं से करवाती हूँ। ये वीडियो जब आई उसके बाद तो लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा वो किए, मैसेज किए, बहुत बहुत प्यार। मेरी बात को आप इग्नोर कर गए। आपको कितने मैसेज आए? मुझे बहुत मैसेज आते हैं। मुझे क्या करते हैं, कैसे कैसे जान छुड़ाते हैं? मुझे ख़वातीन के बहुत मैसेज आते हैं, बट मैं प्रोफेशनल हूँ तो ऑब्वियसली आई नो हाउ टू डील विद देम। और ये होता है कि मुझे ना मैसेज आए होते हैं कि आप हमारा ना क्रश बजरी ये वो सीमेंट ये वो कह देती हैं जब लड़कियाँ, तो मैं आगे से कहता हूँ अच्छा थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर, आप पहले ये बताएं कि आपकी एज क्या है। जब वो मुझे पता चलता है कि यार ये अंडर 24, क्योंकि टीनएजर्स ज़रा एक्सट्रीमिस्ट बच्चे होते हैं, तो मेरी ना 22 साल उम्र है, मेरी 24 साल उम्र है, मेरी 25 साल, हाँ ये एग्जैक्टली, तो मैं आगे से कहता हूँ कि बेटा आपकी ना पढ़ने की उम्र है, आप सिर्फ पढ़ें। तो मैं ना इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे, मेरी आदत है कि मैं हमेशा लड़कियों को, ऑब्वियसली ये नेचर नहीं होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये आपको आपके फैमिली बैकग्राउंड का पता देता है, आपकी नस्लों का पता चलता है कि जब आप किसी की बेटी को बहन को इज्जत देते हैं, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं हमेशा अपने क्योंकि हमारी फ़ैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम फेसबुक पर बहुत ज़्यादा है, तो जब भी ख़वातीन मुझे मैसेज करती हैं तो मैं एकदम से कहता हूँ अच्छा बेटा आप बताइए कैसे, तो बच्चियाँ ना कंफर्टेबल भी बहुत होती हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे नाम उन्होंने पाकिस्तान का कौमी भाई रखा हुआ। अच्छा, पाकिस्तान के कौमी भाई हैं भाई, तो आइंदा से इनके ऊपर गंदी नज़र नहीं रखनी। अच्छा रख सकते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा थोड़ा बहुत रख सकते हैं, मुझे फील करवाना चाहिए, मैं भी लड़का हूँ। एग्जैक्टली मैं अपने यंगस्टर्स को एक मैसेज भी देना चाहूँगा, जो चीज़ पाकिस्तान की बेटरमेंट और डेवलपमेंट के लिए आप समझते हो कि आप रोल प्ले कर सकते हो, डू समथिंग प्रोडक्टिव फॉर दैट। जो आपको इज्जत, जो आपकी इज्जत बनाए, जो आपके ख़ानदान की इज्जत बनाए, जो आपके मुल्क की इज्जत बनाए। म्यान में एक वक्त ऐसा भी आया कि आपके पास अपने बच्चे के दूध के पैसे भी नहीं थे, कितनी लंबा ये टेन्योर था, कैसे गुजारा उसको? मैं अपनी बेगम का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना का, मैं अक्सर इसको कहता होता हूँ कि डॉक्टर सदफ मैं बीवी, मुझे सम टाइम लगता है मैं बीवी हूँ, तुम मेरा खावंद हो। अच्छा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने बड़ा हार्ड टाइम देखा, वो जो स्ट्रगल का टेन्योर होता है ना बड़ा। मेरे पास एक बच्चे का नॉर्मल दूध का डब्बा मेरे हाथ से 700-800 रुपये का आ जाता है, मेरे पास वो पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे का दूध ले सकूँ।
तो ऐसा टाइम एक एक लाडली बेटी अपने माँ बाप की, ये बड़ी लाडली है, सबसे छोटी भी है, और दूसरी बात ये कि प्रोफेशनल माशाल्लाह से डॉक्टर भी है, तो इतना सारा कुछ होने के बावजूद इसने मेरे साथ वो हार्ड टाइम दिखा, मेरे साथ सर्वाइव किया इसने, काटा। इसने कहा आप देखना काशिफ, एक टाइम ऐसा आएगा हम लोग इन्हीं बातों को लेके हंसेंगे, और देखें आज हम लोग हंस रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी? इतना मुश्किल वक्त भी आप लोगों ने देखा, दरमियान में आप लोगों ने स्ट्रगल भी की, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो लोग बड़ी जल्दी हिम्मत हार देते हैं और परेशानी वाले हालात में पीछे हो जाते हैं? जी, मैसेज मेरा यही है कि देखें, एक तो कभी भी ज़िंदगी में हौसला ना हारें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज़ है। अगर आप अल्लाह पर भरोसा करके चलेंगे, एक दिन आएगा कि आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वाइफ्स को चाहिए कि वो कभी भी, मैंने कुछ फीमेल्स में ये चीज़ देखी है कि अगर उनके हस्बैंड किसी मुश्किल वक्त में होते हैं तो वो छोड़ देती हैं या वो पीछे हो जाती हैं। आप अपने शौहर का सहारा हैं, अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगी तो वो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। काशिफ में जैसे आदत है, वो बहुत जल्दी ना डिसहार्ट हो जाते हैं, तो उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ, यार छोड़ें, चिल करें, इतनी टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके दो चार अल्फाज आपके शोहर को इतना हौसला देंगे कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात की है डॉक्टर सदफ ने, और उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आता है कि सक्सेस मिल ही जाती है। ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड्स के पीछे उनका सहारा बने और कभी भी उनका साथ ना छोड़ें। ये एक खूबसूरत ऑनलाइन मोहब्बत की दास्तान है जो आज हमने डिस्क्लोज़ की है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि काशिफ की और सदफ की आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी है। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।